का पकौड़ा बनाने के लिए मैं इतना कटहल को उबाल ली हूँ, ज़्यादा नहीं उबाल ली हूँ, हल्का उबाल ली हूँ। इस तरह से मैं इसमें जो बीज है उसको निकाल लूँगी इस तरह से। कच्चा कटहल है, पका हुआ नहीं है, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं या तो नहीं भी निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से अब मैं इधर पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सर जार में डालकर। आधी है और इतना लहसुन पकौड़ा बनाने के लिए इतना मिर्च, इसको पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए अब इसमें मैं हल्दी मिला देती हूँ बड़े चम्मच से, आधा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से कम है। गरम मसाला, काली मिर्च। मैं जब कटहल को उबाल रही थी तो हल्का नमक डाली थी, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डाल देती हूँ। और जो आदी और लहसुन और मिर्च को पेस्ट बनाई थी उसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। एक चम्मच बड़ा वाला चम्मच से, और बेसन दो चम्मच। और हरी मिर्च है, हरी धनिया है, और हरी मिर्च भी कुछ। इसको मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं मिला ली हूँ। तेल डाल रही हूँ, सरसों तेल है। गर्म हो गया है, इसमें पकौड़ा के डालती हूँ इस तरह से। सभी पकौड़ों को डाल दूँगी, बहुत ही टेस्टी बनता है पकौड़ा कटहल का। आप एक बार ट्राई मार के देखिए, इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है कुरकुरे। ये और इस तरह से हिला दे, चला दे इसको, सभी को इस तरह से। देखिए मेरा बेसन का पकौड़ा तैयार हो गया है, अब निकालती हूँ। मेरा इस तरह से कटहल का पकौड़ा बन के तैयार है। आप चाहे तो इसे सब्जी भी बना सकते हैं ना, ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल कुरकुरा है, देखिए किस तरह से हो गया है, बिल्कुल एकदम कुरकुरे हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।